तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्वाफ्रेश 2500 में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और बेहतरीन वीडियो, जिसमें कि हम आपको एलईडी टीवी के बारे में जानकारी देंगे। आज हमारे पास है ये एलईडी टीवी, ये देखिए इसमें बाबा आपको ये एलईडी टीवी एकदम नया ब्रांड न्यू है। अब हम इसे खोल के देखेंगे इसके अंदर लगा क्या 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 है। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो शो शुरू करते हैं। इसे अभी हम इसकी बैक, तो देखिए गाइस ये इसका बैक साइड आ गया है। ये हमने अपना स्क्रू ड्राइवर ले ली है, अब हम इसे ओपन करेंगे जल्दी जल्दी से। देखिए गाइस बहुत ही जल्दी ओपन हो रही है ये। ये देखिए गाइस, जैसे कि अब हमने इसे ओपन कर दिया है, ये देखिए जिसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह डली हुई है। ठीक है, ये इसके स्पीकर्स आ गए हैं, तो बहुत ही कमाल के स्पीकर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं ये। ठीक है गाइस, ऐसा अब हम ये इसका दूसरा पार्ट खोलेंगे, जिसके नीचे इसका कार्ड होता है, मेन कार्ड। ये देखिए गाइस, इसमें भी इसकी डेट डली हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह है। ठीक है, ये देखिए गाइस, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये सप्लाई आ गई मेन M2 की, बहुत ही हैवी क्वालिटी की सप्लाई है। ये देखिए, इसमें डबल HDMI पोर्ट वगैरह है, ये डबल USB है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। ये देखिए गाइस, इसमें काफ़ी बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगे हैं, जो आपके नॉर्मल टीवी में लगे होते थे पहले, काफ़ी हैवी क्वालिटी में लगे हैं। ये देखिए, जिसमें किंगस्टन का मेमोरी कार्ड है। ये देखिए गाइस, ये अपना वायरलेस के लिए ये यहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है, जो ये वायरलेस का ड्राइवर होता है, ये एंटीना होता है टीवी के अंदर। ठीक है गाइस, इसी से टीवी को कनेक्शन जाता है, तो इसी से सब कुछ चलता है। ये जो टीवी के अंदर, ये देखिए, ये अपनी एलईडी टीवी की जो लाइट्स वगैरह होती है ना, ये उनके लिए कनेक्शन जा रहा है, तो इसी से अंदर सप्लाई जाती है। ये देखिए गाइस, ये LNV होता है। ठीक है, तो इसे भी बड़े ध्यान से निकालना पड़ता है। ये देखिए गाइस, जैसे कि ये देखिए, ये मेरे हाथ में स्पीकर्स हैं, अगर आपने स्पीकर को अलग करना है तो ये रहा इसका जैक, तो बस इसे बड़े प्यार से निकाल लेना है। देखिए गाइस, ये निकल आया। ये देखिए गाइस, जैसे ये LNV है, तो इसे हमें बड़े ध्यान से निकालना पड़ता है। ये देखिए, ये हमने इसे बड़े ही ध्यान से निकालना है। ये देखिए, इसके ऊपर मिट्टी आई होती है, जिससे कि कभी कभी पैनल में दिक्कत आ जाती है, जो आपका पैनल ब्लिंक करने लग जाता है। बस इसे हल्के से साफ़ कर लेना है आपने किसी भी चीज़ से, जैसे कि अब हमने इसे अलग कर दिया है। तो चलिए गाइस, अब हम इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या होता है। तो जैसे कि अब हमने इसकी LNV डिफरेंट कर रही है, अब हम इसका ये पैनल ओपन करेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से आराम आराम से ऐसे ऐसे करके उखाड़ना है। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि हम हमने इसका फ्रेम खोल दिया है, तो जैसे कि गाइस, हम हमने इसका फ्रेम डिफरेंट कर दिया है। अब बहुत ही अमेजिंग स्टेप पे हैं, ये हम पहली बार कर रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे लाइव। ये देखिए, ये हम इसका रैपर हटा रहे हैं, जैसे कि मतलब ये देखिए गाइस, कितनी शाइनी, कितना फ्रेश पैनल है ये इसका। तो जैसे कि गाइस, हमने ये LED खोल दी है, अब ये हम इसका ग्लास उठाएंगे। माय गॉड, ये देखिए जिसका ग्लास होता है, ये ग्लास के साथ इसकी LNV लगी होती है, जो कि हमने पहले ही डिफरेंट कर ली थी। तो इसे ध्यान से, हमने इसे पूरे ध्यान से उतार लिया है। ये देखिए गाइस, ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस, मेरे हाथ में ये स्क्रीन है, यही स्क्रीन होती है सिर्फ, कितने की, 7000 रुपये की। ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस, पूरी स्क्रीन है ये मेरे हाथ में। गाइस, ये तो स्क्रीन होगी, जैसे कि आपने देखा होगा आपकी स्क्रीन में कभी कभी काले काले धब्बे आ रहे होते हैं, जैसे कि ये देखिए, इसमें ये हमारे निशान लग चुके हैं ना, अगर हम इसे अब ऐसे ही ऑन करेंगे तो धब्बे नजर आएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो पेपर्स होते हैं ना,
ऐसे निकालना पड़ता है बड़े ध्यान से। देखिए ये अलग अलग शीट होती है, ये शीट है ना शीट, इसकी वैल्यू मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये के बीच में यही होती है मात्र। ये देखिएगा सब हमें इसे भी डिफरेंट कर दिया है। तो चलिएगा सब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, ये हमने पूरी एलईडी खोल दी है। ये देखिए गाइस क्या है जी इसका, ये इसका फ्रेम है प्लास्टिक वाला जो अंदर की साइड है। ये काफी मोटी तगड़ी शीट है। काफी हैवी है। तो चलिए गाइस अब हम हमारे सामने आ चुकी हैं एलईडी लाइट्स। जैसे कि मोस्टली अगर आपके घर में एलईडी लगी हुई है तो उसमें क्या होता है कि आपका एलईडी टीवी पे स्क्रीन आ रही है और स्क्रीन नहीं आ रही, मतलब कि ब्लैक हो गया है और सिर्फ आवाज़ आ रही है, तो उससे क्या होता है जी एलईडी लाइट्स में प्रॉब्लम आई होती हैं, तो ये लाइट्स चेंज होती हैं। अब हम देखेंगे ये जो लाइट्स चेंज होती हैं ये इस पैनल के नीचे होती हैं। ये देखिए ये रहा, तो चलिए गाइस अब हम इस पैन को खोलते हैं। बड़ा फसा मर रहा गाइस, जैसे कि ये देखिए जिसका ये पत्ता है इसे हमने अनस्क्रू कर दिया है। अब हम इसे बहुत ही धीरे धीरे उठाएंगे। इसे बड़ी सावधानी से उठाना पड़ता है। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, नहीं जा रहा। तो ये देखिए गाइस ये अनरिलीज हो गया है। तो आप देख सकते हो गाइस इसमें ये रही इसकी एलईडी लाइट, ये देखिए ये रही इसमें एलईडी लाइट्स, ये इसकी स्ट्रिप है। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना जो ये अंदर से वायर सप्लाई में से आ रही थी, तो ये वही वायर है जो लाइट्स को जाती है। ये देखिए गाइस ये यहाँ पे टेप से चिपकाई हुई एलईडी लाइट्स हैं, जब इनमें लाइट्स आती हैं तभी आपकी एलईडी जगती है। ठीक है गाइस, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी दूर तक हमारी वीडियो देखने के लिए। आई होप सो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अपनी तरफ से अच्छा सा कमेंट करें। तो हमने आपको पूरी ये जानकारी दी है कि एलईडी टीवी में होता क्या क्या है। ये लाइट्स होती हैं, स्ट्रिप्स तीन स्ट्रिप्स होती हैं, तो इसी वजह से होती है। ये 32 इंच की एलईडी टीवी थी जिसके बारे में हमने आपको फुल रिव्यू और फुल जानकारी दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।